नहीं अपना सर फोड़े। किसके सामने सिर लगा? वो डॉक्टर साहब है ना, सिर मतलब स्कूटी से गिर के सर फूटा नहीं तो यहाँ पे मार है सर। इतना भयंकर इनका एक्सीडेंट हुआ है और जो आज कांड हुआ है ना वो आज से 3 साल पहले एग्जैक्टली सेम कांड हुआ। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ कुछ सच्ची कहानियां। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेरी कंजूस सासू माँ की कहानी। देखो भाई सबकी माँ कंजूस होती है तो बात पक्की है ना। मेरी माँ एक अलग लेवल की कंजूस है, अलग ही लेवल की कंजूस है। मतलब पूरा चल चल के फिनाइल लेने जाते पता नहीं कहाँ अंकुर, और हम उसको स्विगी नहीं करने देते क्योंकि उसमें 5 रुपए बचते। ऐसा नहीं है, जो कुछ होना होता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ। आज से 3 साल पहले की कहानी बताता हूँ मैं, आज की तो शिवानी बताएगी। मम्मी गई थी सामान खरीदने के लिए, फोन आता है कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, वो बस से गिर। बस से गिर गई। पहले तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मेरी मम्मी बस में क्यों गई, तो मेरे को लगा कि नहीं मेरी मम्मी नहीं होगी, ऐसी कोई रैंडम गलती से मेरे को फोन लग गया होगा, मम्मी थोड़ी बस में ट्रैवल करेगी। फिर पता चला सच में मेरी ही मम्मी थी, वो बस में उतर रही थी, बस वाले ने चला दी गाड़ी और गिर गए। फ्रैक्चर हो गया था हाथ, उनका हाथ फ्रैक्चर है, अभी जाके अभी भी दर्द होता है इनको। 10 रुपए बचाने के लिए ऑटो में 20 रुपए लगेंगे, ऑटो बस में 10 रुपए लगेंगे, 10 रुपए शेयरिंग ऑटो लेके आते हैं उसके भी 10 रुपए बचाने के लिए, और आज उससे भी महान काम किया। तो तब भी शिवानी ने मना किया था, उस समय भी मना किया था शिवानी ने कि भाई पैसे मत बचाओ, अपना सेफ्टी देखते हैं, हेल्थ देखो, ये सब 10-20 रुपए से कोई सेविंग नहीं होती है। पेनीवाइज पाउंड फुलिश हो जाता है। आज हमारा जितना खर्चा हुआ उससे उस पता नहीं क्या ही बचत कर रहे थे। तो आज की बचत की कहानी सुनो। इनकी थी किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी में पहना था लाल रंग का टी शर्ट। तो हमने बोला मम्मा जाओ सामने पैंटलून की दुकान है, घर के एकदम सामने। मैंने बोला मम्मी वहाँ जाके ले लो। हाय मैंने बोला ले लो, कुछ नहीं होता, 400-500 की वहाँ पे आ जाएगी। पर 400-500 रुपये कंजूस सासू माँ कैसे खर्चे। ये निकल ली स्कूटी से रामनगर, ठोक दिया बच्चों ने इनको स्कूटर पे। हमें फोन आया मयूरी का कि एक्सीडेंट हो गया। हमको लगा मयूरी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं जाके देख रही हूँ मेरी सासू माँ ऐसे ऐसे कर रही है। मेरी तो पैरों तले जमीन उतर गई। मैंने बोला व्लॉगिंग व्लॉगिंग, पता नहीं मैंने कैमरा किसके हाथ में दिया, क्या हुआ। मैंने देखा भैया पता चला लिटरली, मैं बताती हूँ, मैं ये सोफा इसलिए रखा है, स्कूटी में ऐसे बैठते हैं ना यहाँ पे ड्राइवर और ऐसे बैठते, मम्मी ऐसे उल्टा रोड पे गिर गई, पूरी पीठ सर के बल, मतलब थैंक गॉड भगवान की लाख लाख कृपा थी कि वहां पे कोई पत्थर नहीं था, रोड पे कोई गड्ढा नहीं था। मेरे को तो ये बात सुनते ही, और उस समय मम्मी तो हम आए हुए बॉम्बे मैटरनिटी हॉस्पिटल। अगर आप सूरत शहर से हैं तो बिना सोचे इस हॉस्पिटल आने का। मम्मी उल्टा गिरी थी सर के बल, उनके सर में चोट लगी थी, सर पीठ कोना, ये तीन मुझे ऑन द स्पॉट पता चला था कि ये 3 जगह इंजरी है। हम जब गए थे तो हमने मम्मी को देखा, मम्मी ने आंख बंद करी हुई है, बोल रहे चक्कर आ रहे हैं, उठा नहीं जा रहे हैं, और हम भी गाड़ी लेके नहीं खोल नहीं रही थी, आंखें वहाँ बैठी हुई थी और बोल रही मुझे और बीच में उल्टियाँ कर रही थी। तो मेरे को जितना मेडिकल नॉलेज है मुझे इतना पता है कि अगर आपको हेड इंजरी ट्रॉमा हुआ है और वॉमिट आ रही है तो ये अच्छा सीन नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। क्योंकि हमारी स्कूटी अभी भी वहीं पड़ी हुई है रामनगर में, हमने वैसे ही छोड़ दिया। और डोंट वरी, वी लिव इन सूरत, यहाँ कुछ नहीं होता, कोई चोरी वोरी नहीं होती है, वो वहीं पड़ी हुई होगी स्कूटी, अभी भी देखना दोनों के दोनों। गुड थिंग ये थी कि मम्मी को हम बीच बीच में बात करते जा रहे थे, सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया उनको, और वो हर चीज का राइट रिस्पॉन्स दे रही थी। फिलहाल मम्मी के इस हाथ में फ्रैक्चर आया, स्कल का अभी भी चल रहा है, इतना आसान नहीं होता स्कल का हर चीज करना। एक्सरे में सब में नॉर्मल आया, कहा सीटी स्कैन भी करवाना पड़ेगा। इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा और परेशानी हो गई 200 रुपए के लिए। 200 रुपए के मैं कह रही हूँ, वो मुझे चोट लगनी थी आज, बचत ना, ऐसा कुछ नहीं होता, जो नसीब में होता वही होता है। ना ही आप रामनगर जाते स्कूटी पे तो ना ही ये नसीब आता है ना। फिर मैं अभी यश को बोलूंगा तो तेरी माली जो हमारा है ना फ्लोर से कूदा, जो हाँ, नसीब में होता वही होगा। हाँ, तू फ्लोर से कूदा तेरे नसीब में मरना होगा, तू मरेगा नहीं तो तू जिंदा रह जाएगा। बात होती है जो नसीब में होता भाई, तुम जो करोगे वैसा नसीब बनता है ना भाई। पता चले रोने लगे ये वीडियो के कारण तो और दुख होगा। क्या बोल रही थी आज मुझे आध्या के लिए मैंने क्या सेव कर दिया, क्या कर रही है? गोल्ड सेव कर। हाँ सुनो, गोल्ड कैसे सेव हो रहा है, मुझसे जो घर खर्चे के पैसे आते हैं उसको बचा बचा के गोल्ड सेव किया, और मेरे सामने ठंडन गोपाल मुझसे और पैसे मांग रहे हैं। गोल्ड तो मैं बना रही हूँ उसका, ये थोड़ी गोल्ड सेव कर रहे हैं। अब जब ये उड़ाने वाले हैं तो पैसे लेकर सेव कर। सुना सुना ना, उड़ाने वाले सुना ना, हमें उड़ाने वाले कहा जाता है। ये पैंटलून पे जाके 200 रुपए की टी शर्ट खरीदना उड़ाना होता है इनकी तरफ से। आप अपनी अनीता मां से अगर प्यार करते
करते हो। तो अनिता माँ की बुद्धि में बात डालो कि बहुत अमीर औरत है, ठाकुर आई ने 4,000 जमीन है गाँव में, करोड़ों की मालकिन है, अभी बस चले तो मुझे खरीद ले। पर नहीं, इनको 200 रुपए की। और इनके साथ पता प्रॉब्लम क्या है, मेरे ना घर पे हो जाता टीम टीम अप। इधर 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 आप इधर आओ, ये एक औरत से मिलाती हूँ, आओ इस वीडियो में बैठ। ये कंजूसियत की और महान मूरत है, मतलब अगर कंजूसियत ये है तो ये उनकी देवी है। इसके साथ एक और देवी मिसिंग है, मेरी मम्मी। ये तीन देवियाँ मिलके मेरी जिंदगी में इतनी कंजूसियत ले आई हैं, इतनी गरीबी ले आई हैं, मैं खुद फटे कपड़े पहन के घूमने लगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग को वीडियो रोकनी पड़ी थी बिकॉज डॉक्टर्स आए। आपने देखा कितने केयरिंग डॉक्टर्स हैं। इस वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे विचित्र चीजें होती रहती ना हमारे साथ। हमने सोचा कुछ और था, मम्मी पापा की लव स्टोरी सोची थी और इन्होंने अपनी मतलब इनको ना वो फेम अकेले चाहिए, सेल्फ स्टोरी बना ली, खुद अकेले जाके एक्सीडेंट कराए। तो बताना जरूर कि हम कैसे क्या बनाए और क्या खिला सकते हैं जिससे ताकि ये रिकवरी स्पीडी हो जाए। इस बार आदि मिस हो गई है, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। कंडीशंस ऐसी थी कि हम नहीं शूट कर पाए उसके साथ। कोई नहीं, सब कंपनसेट होगा नेक्स्ट वीक के कुछ सच्ची कहानी में, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं अपने मम्मी पापा की लव स्टोरी, आद्या बीबी की क्यूटनेस और बहुत सारी इस फैमिली की मस्ती। ऐसे ही बने रहिएगा। लास्ट वीडियो पे लाइक्स नहीं आए, करो ना यार, लाइक करो यार, चलो लाइक करो अभी करो। भूल गई।